बदलते भारत की शान। ये सब सुनो रूपा, उस दिन जो तूने मुझे बताया था, क्या कल्याणी को समझा सकती हो? वो जानने के लिए बहुत इच्छुक है। क्यों नहीं मौसी। कल्याणी सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बताती हूँ। अच्छी बात बताई आपने रूपा दीदी, और सबसे अच्छी बात ये है कि अब मैं इस बिजनेस को पॉपुलर करने के लिए सोशल मीडिया का भी हेल्प ले सकती हूँ। और हाल ही में मैंने जहाँ इंटर्नशिप किया है वहाँ का एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत हेल्प करेगा। तो फिर देरी क्यों कल्याणी, जल्दी ही काम शुरू कर दो। चाहो तो तुम मेरे साथ गाँव चल सकती हो, वैसे भी मैं कल जा ही रही हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है कल्याणी, तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है, वहाँ मेरा घर है। तुम मेरे घर में रहकर रूपा के साथ सारे जगह घूम सकती हो, और तुम कल मेरे साथ ही निकलना मौसी, ठीक है ना अभी? देख राजीव, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है अकेला मैनेज करना मुश्किल पड़ रहा है। एक जगह पर नहीं, कई जगह पर काम चल रहा है। स्पेशली तुझे वही सब देखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल पिक करने का काम, वेयर हाउस की पूरी मैनेजमेंट तुझे अपने हाथ लेना होगा। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है कुछ लोग हेरा फेरी करने में लगे हैं, कमीशन खोरों की वजह से क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल हो गए है। अच्छा, तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। उससे पहले मुझे सेल्स और सप्लायर्स का डिटेल चाहिए होगा, और रेट के डिटेल्स भी दे देना। पहले मैं उसे 2 दिन स्टडी करता हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स को, फिर मैं ग्राउंड विजिट करूँगा और आके तुझे बताता हूँ कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है और कहाँ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। यही सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग की जरूरत है मुझे। लग जा भाई काम पे, अब तो मेरा भाई आ गया है बिजनेस में। डोंट डू इट। वाह कैलानी, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। बात क्या है, घर के माँ के हाथों से बहुत अच्छी चीज खा के आई हो ना? माँ के हाथों के खाने की तो बात ही अलग है, लेकिन इस बार बात दूसरी है, जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। लगता है जिंदगी में कामयाब होने की असली राह अब मुझे मिल गई है। अरे वाह, अच्छा बात क्या है बताओ तो। अरे बताती हूँ बाबा, तुम्हें बताने के लिए ही तो इस बार मैं घर से थोड़ा जल्दी आ गई। मैंने जो डिसीजन ली है वो आगे जाके कैसा रहेगा तुम बताना। अरे पहले मत बुझाओ, सीधे सीधे मुद्दे पे आओ। हाँ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा, तुमने आत्म सहायक गोद के बारे में सुना है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप? हाँ सुना है। हम लोगों के गांव में माँ और कुछ महिलाएं मिलकर चलाते हैं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? हाँ वही ग्रुप जिसके जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे इस बार मैं जब घर गई तो माँ ने मुझे रूपा दीदी के बारे में बताया, जो शादी करके जामुगुड़ी में ससुराल में रहती है, जो आत्म सहायक गोद के जरिए आत्मनिर्भर होकर खुद तो बिजी हो गई और आसपास के कई महिलाओं को अपने परिवार चलाने के लायक बना दी। उससे कैसे होता है, मैंने माँ को इतनी बिजी तो नहीं रखी। वही तो, वो लोग शायद इस सुविधा के बारे में ज्यादा अवगत नहीं है। वैसे तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं,
वो बात नहीं है, शायद उन लोगों को पता ही नहीं है। सुन, रूपा दीदी इस गोद के जरिए कई महिलाओं को बहुत सारे कामों के प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो सरकार द्वारा हर जिले में उपलब्ध है, जैसे वीविंग, सिलाई, बुनाई, लकड़ियों की मूर्ति, पीथा पोना के प्रकरण, बांस की चीजें, फल और सब्जियों से बनाई जाने वाली आचार, और तालाब में रहने वाली जल कुंभी से बनाई हुई चीजें जैसे टोपी, बैग इत्यादि बनवा कर बहुत जगहों पे सप्लाई करती है। देखो ना, इतनी छोटी जगह से शहरों में ये सब करके कितना पैसा कमा रही है और दूसरों को भी मदद कर रही है। इस बार मैं पूरी क्लियर हूँ अपनी विजन में। यहाँ से जाके मैं रूपा दीदी के गांव जाऊंगी और सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आऊंगी। मैंने माँ को बोल दिया है कि आगे जाके मैं क्या करने वाली हूँ। इसमें मेरी माँ भी मेरे साथ है, जिससे मुझे बहुत सुविधा होगी। अरे वाह, क्या बात है, मेरे भी इंटरेस्ट बढ़ गई है। अगर मैं भी ऐसा काम कर पाती। मैं भी चाहती हूँ अपने गुजारे के साथ साथ मैं किसी और दूसरे को मदद करूँ। तो ठीक है, तुम भी चलना मेरे साथ रूपा दीदी के गांव। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। वैसे भी तुम तो मेरे घर के ही होने वाली हो ना। अच्छा एक बात बताओ, शादी के बाद मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, आप या तुम? अरे तू भैया के ख्याल में खो गई क्या? इस दुनिया में आ जा भाई, कुछ खाने को है या नहीं? बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ रुको, मैं तैयार करती हूँ। यस सर, आपने कहा था ना सारा सामान भेजने के लिए, तो हमने भेज दिया। और ये फाइल चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक से पूरा वो एक्सपोर्ट का काम शुरू कर देना। क्लाइंट का कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया कि नौकरी नहीं करके अपना स्वयं सहायता समूह चलाओगी? हाँ भैया, बस तुम्हारा मंजूरी चाहिए। अरे पगली, मुझे तुम पर कुछ भी ज्यादा भरोसा है। तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। वैसे लोगों का रेस्पॉन्स कैसा है? थोड़े फीके हैं। अगर उनको यकीन दिला जाए कि उनकी मेहनत के वजीब दाम उनको मिलेंगे तो कुछ बात बन जाए। अगर उनको अच्छी तरह समझा दिया जाए कि सरकार की इस स्कीम से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है, तो मुझे लगता है लोग इसमें जरूर शामिल होंगे। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या कुछ और है। समस्या? तो फिर क्या है? कमीशन कौन देगा भैया? नहीं चाहिए, चलो। वैसे तो हमने बहुत पहले से ही अपने काम शुरू कर ली। अभी तुम लोग भी अपने गांव से या यहीं से ही कुछ महिलाएं इकट्ठा करके एक गोट बनाओ, फिर उसे रजिस्टर करो। ठीक है,
और तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट चुन सकते हो बनाने के लिए। वैसे तो आजकल सभी प्रोडक्ट का डिमांड तो है ही। हाँ, समझ गई। हम अभी से काम शुरू कर देंगे। माँ भी इंटरेस्टेड है। और एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, हम जितना भी प्रोडक्ट बनाएंगे अगर हम वो ऑनलाइन में बिकने की कोशिश करें तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ, तुमने सही बताया। मैंने भी इसके बारे में सुना है और पता चला है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन से ही चीजें खरीदारी करते हैं। जी, इसके बारे में मैं तो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जो इसके बारे में बहुत कुछ जानती है। मैं उससे जानकारी ले लूंगी, पहले अपनी इंडस्ट्री स्थापित तो कर लूं। हाँ पिंकी, हाँ? तुम्हारे बारे में राजीव ने बोला है मुझे। रियली यू आर ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट टू। वैसे तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो हो ही। तुम लोग मुझे क्या बोल रहे थे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में? मतलब मेरे तरफ से अगर कोई हेल्प करने की जगह है तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू। रियली कोई शुभ समय की शुरुआत हो और कोई नेक इरादे से अच्छे काम करने के लिए निकल आए तो मदद चारों तरफ से यानी शुभ संयोग शुरू हो जाते हैं। इस काम में रूपा दीदी हेल्प कर ही रही है और अब माँ और भैया भी आ गए हैं और पिंकी भी है, अब आप भी आ गए। पिंकी, वी आर सो लकी, अब हम बहुत आगे जाने वाले हैं। सही कहा कल्याणी, मैंने राजीव दा से सुना है आपके बारे में। क्या सुना? कुछ बुरा तो नहीं? नहीं। ये लो। रुको रुको रुको, क्या राजीव दा लगा रखा है, ये सब नहीं चलेगा। बोलना हमारी उनसे सुनी हूँ। अच्छा कल्याणी बताओ। जी, ये जो गोद है ये महिलाओं के होते हैं। कई महिलाएं जिन्हें बहुत सारी कारीगरी विद्याएं आती है, जिन लोगों को नहीं आते उन लोगों को हमने प्रशिक्षण देने का व्यवस्था किया है। मतलब सरकार के मदद द्वारा ये प्रशिक्षण दी जाती है। अच्छा, मतलब इसमें कौन कौन सी कारीगरी की व्यवस्था है? और मैं कुछ समझा नहीं, इससे तुम लोगों का क्या लाभ होगा? लाभ तो होगा ही। हम अभी कपड़े बुनने और कपड़ों से जितनी चीजें बनाए जा सकते हैं हम बना रहे हैं, जैसे थैला, मैट, छाता आदि बना रहे हैं। अब हम जल कुंभी से भी चीजें बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। राजीव, हाँ, एक बार हम जाएंगे ये सब देखने के लिए। हाँ क्यों नहीं, जरूर। कल्याणी, तुम इसको बोलो तुम लोगों के बिजनेस की मार्केटिंग की व्यवस्था गुवाहाटी में भी करने के। हाँ ऋषिदा, हम लोग तो अभी गुवाहाटी में थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन आप मदद और मार्केटिंग की व्यवस्था कर दे तो हम और धूमधाम से काम कर सकते हैं। गुवाहाटी में मेरे कई डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ जान पहचान है, मेरे दोस्त लोगों का भी कई दुकानें हैं। मैं बोल दूंगा हो जाएगा, लेकिन एक बार तुम लोगों को भी जाके वहाँ बात करनी होगी। ठीक है कल्याणी, अभी कोई चिंता की बात नहीं है, सिर्फ तुम लोग क्या क्या करने वाले हो उसकी प्लानिंग करो। ए ऋषि, हम लोगों को अभी जाना होगा, अपर असम के मार्केटिंग डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है। चलो ठीक है कल्याणी, पिंकी तो हम लोग अभी चलते हैं, बाय। अच्छा कल्याणी, तुम्हें गांव के माहौल कैसे लगे? मैंने रूपा से सुना है कि गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक आत्मसहायक गोद खोलने की तैयारी कर रही हो। हाँ दीदी, गांव का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। शहर का व्यस्तता, शहरीपन गांव के लोगों में दिखाई नहीं देती। हर लोग एक दूसरे के भलाई के बारे में ही सोचते हैं। मैंने और एक बात देखी है कि कोई भी काम गांव की महिलाएं बहुत निपुण से करती हैं। हाँ, लगन है काम करने की। ये बात तुमने सही कही है कल्याणी, लेकिन सुविधा और आर्थिक हालत के वजह से वो लोग चाहते हुए भी बड़ी तरीके से ऐसा काम नहीं कर पाती है। वो तो है कल्याणी, उन लोगों के यही काबिलियत तो देख के मेरे दिमाग में ये बात आई। उन लोगों के काबिलियत के हिसाब से मैंने कई आत्मसहायक गुट खोला।
सरकार की तरफ से जितनी भी ट्रेनिंग हो सके मैंने उन लोगों को दिलाने की कोशिश की, और एक दो गोट को तो मैंने बैंक से लोन भी दिलवाया था। उन लोगों के बनाए हुए प्रोडक्ट को मैंने मार्केटिंग के लिए भी भेजा है। वो लोग जो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन प्रोडक्ट का पैकेटिंग करके बड़ी बड़ी मार्केट में भेजने की जिम्मेदारी भी मैंने ली है, और उसी कारण आज उन लोगों का इनकम भी बढ़ गया है, और इनकम बढ़ने की वजह से वो लोग घर चलाने में भी सक्षम हुए हैं। हाँ रूपा दीदी, आपकी यही सोच के वजह से गांव की महिलाएं स्वावलंबी की तरफ एक कदम आगे बढ़ गई है, और मैं भी यही सोच लेकर आगे आई हूँ। महिलाओं में जितनी भी काबिलियत है अगर हम उसे अच्छी तरह परख के उन लोगों को सही तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग देने की कोशिश करें तो वो लोग और भी अच्छी तरीके से ये प्रोडक्ट बना पाएंगे। तुमने सही बोली है कल्याणी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तुम लोग जैसे पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ इस काम में आगे बढ़ाए तो उन महिलाओं की इच्छा दुगना बढ़ जाएगी, तब उनके जिंदगी में भी सार्थक लग जाएगी। वही जयादी, मैंने जिस कंपनी में इंटर्नशिप की है वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उससे भी बड़ी बात, आजकल इंटरनेट के माध्यम से जो बिजनेस डेवलप हो रही है उसी माध्यम के जरिए मैं गांव की महिलाओं के प्रोडक्ट बाहर बेचने की इंतजाम करूंगी। हाँ। बहुत अच्छी सोच है कल्याणी, तुम्हारे इस माध्यम से जितनी भी बिजनेस बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा हमें फायदा होगा। अच्छा चलो अब दूसरे गांव के महिलाओं के साथ बातें करते हैं। ठीक है चलो चलो। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आप लोगों के लिए ही मैं कल्याणी को छोड़कर यहाँ आ गई। उसके साथ आज मैं एक नई गांव जाने वाली थी। पता है आप लोगों को पिछले महीने हम लोगों को कोलाई प्राय 2 गुना बढ़ गई है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। देखो जो नेक्स्ट। अरे राजीव, कब से सुन रहा हूँ सिर्फ काम काम काम। यहाँ हम किस लिए आया था? अभी तू बताएगा या मैं बोलू? नहीं मैं बता रहा हूँ। क्या बात है? नहीं मतलब मैं अभी लगभग एस्टेब्लिश हो गया हूँ, और अगले महीने मेरा घर भी बन। हाँ प्रणब जी, अगले महीने मेरा घर भी बन रही है, तो माँ बोल रही थी मेरी शादी की बात, मतलब माँ को एक हेल्प करने वाले चाहिए, और ये ऋषि भी बोल रहे हैं। आज तो मुझे पकड़ के ही लेके आया। क्यों? तुम क्या कहती हो? क्या मतलब शादी की बात क्या सोचती हो? मैं क्या बोलूं आपको, आपको तो शादी नहीं करनी है ना, माँ और ऋषिदा कह रहे हैं इसलिए आप बोले हैं। नहीं नहीं। क्या नहीं? नहीं मतलब मुझे तो करनी है, अभी क्या करें, हम लोग खुद तय करें या माँ या ऋषि को? क्या मतलब हमारे शादी की डेट फिक्स? सुनिए, मेरे माँ और पिताजी हैं, उन लोगों को अभी तक बताया नहीं, आप लोगों का किसी ने जाके बोलना पड़ेगा, आप जाए या और। हाँ दोस्त, प्रणब जी को आज ही मिलना होगा। हाँ, उसके पास वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे की कमी हो गई, मैंने बोल दिया पैसे दे दूंगा, गाड़ी में चेकबुक है। हाँ, लाया। तो आप लोगों के साथ मैं भी जा सकूंगी? हाँ वो सब ठीक है, लेकिन बातें कहाँ तक आगे बढ़ी? हाँ जी, वो बोल रही थी कि उन लोगों के घर जाना होगा और पिताजी और माँ को बोलना। तो कौन सी बड़ी बात है, हम सब लोग इनके घर जाएंगे और उसी दिन डेट फाइनल कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। सर? हाँ शर्त, वैसे तो मैं सबके लिए शर्त दे के रखा हूँ, तुम्हें तुम्हें क्या शर्त दूँ? हाँ, तुम्हारे घर पे हम लोग स्टिकी स्टीम राइस और डाक खाएंगे। क्यों नहीं, जरूर। तो बातें पक्की? ओके, कांग्रेस स्टेशन।
राजीव एंड पिंक। तो चलो रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं। लेकिन मैं खिलाऊंगी, पैसा मैं दूंगी। अरे पैसा मैं दूंगा? कमाल करते हो, मेरे रहते हुए पैसे तुम लोग दोगे? हाँ चलो हम लोग एक साथ खा लेते हैं। चलो चलिए। तो ये है मेरी और इस गांव की सफलता की कहानी। इन 2 सालों में हम लोगों ने बहुत मेहनत, लगन और सूझबूझ से इस आत्म सहायता गोद को आगे बढ़ाया है और यहाँ तक ले आए हैं। तो इसी मौके पर आपकी इस चैनल के जरिए हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सरकार की इस सभी स्कीम के बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज हमें जो लोग देख रहे हैं उन सब से गुजारिश है कि आप लोग भी सरकार की इस स्कीम से लाभ उठाएं और अपने विकास के साथ साथ देश के प्रगति में भी योगदान दें। सही में सरकार ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बस जरूरत है तो सही इन्फॉर्मेशन की, मेहनत की और लगन की। और कल्याणी जैसे लाखों लोगों ने सरकार के स्कीम्स का लाभ उठाकर सिर्फ अपना ही नहीं, अपने मोहल्ले, कस्बे और गांव के लोगों को रोजगार मुहैया करवाया है और वो अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ती जाएंगी और अपने गाँव वालों के साथ भी आगे यूं ही और एक कहानी बनाती जाएंगी। शुक्रिया। तो ये थी एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए। और मैं हूँ आप ही के साथ अलीशा, कैमरा पर्सन अरूप के साथ, पीटीवी के लिए।